दोस्तों नॉन अटेंडिंग एजुकेशन या फिर हम कहें नॉन अटेंडिंग में एडमिशन ले लेना, किसी भी कोर्स में चाहे आप एडमिशन लेते हैं नॉन अटेंडिंग प्रोसेस से, क्या ये वैलिड होगा? साथ में ही बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी क्या मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में कहूंगा, जो नॉन अटेंडिंग वे से अपनी सीट्स को फिल करती हैं। अपनी सीट्स को फिल करती हैं मतलब कि LLB को ले लीजिए, BEd ले लीजिए, BTech हो, MTech हो, फार्मेसी में भी, नर्सिंग में भी हमने देखा है, BPT में, लगभग सभी कोर्सेज है, कोई भी कोर्स अछूता नहीं है। इवन हमने तो मेडिकल कोर्सेज भी देखे हैं जैसे कि BAMS, BDS, इवन MBBS को भी। अब बात दोस्तों ये आती है, क्या नॉन अटेंडिंग वैलिड होता है, मतलब क्या ये लीगल एक प्रोसेस है जहां पर कि आप बिना क्लास लगाए भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो? क्या ऐसा कोई प्रोसेस है या फिर ये इलीगल तरीके से चलाया जाता है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो या फिर कोई भी संस्थान हो, अक्सर देखा जाता है कि नॉन अटेंडिंग में एडमिशन ले लेते हैं। पहले तो नॉन अटेंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, ना ही तो ये डिस्टेंस है, ना ही ये ऑनलाइन है, और ना ही इसको आप पूरी तरह से रेगुलर ही बोल पाते हो। तो नॉन अटेंडिंग ये होता क्या है, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। डिटेल में आपको बताऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका एडमिशन भी वैलिड तो नहीं, आपने लिया हुआ है कहीं पर भी एडमिशन, क्लासेस आप लगाते नहीं हो, सिर्फ एग्जाम्स देने के लिए आप जाने वाले हो, क्या होता है इसका मतलब, सब कुछ आप जानेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमेशा से हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एजुकेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सके, आपको एजुकेशन के बारे में सब बता सके, ताकि आपके साथ कोई किसी तरह की प्रॉब्लम या फ्रॉड ना हो जाए। दोस्तों ऑनलाइन मोड एक अलग मोड है जिसमें कि यूनिवर्सिटीज ने चलाए अपने प्रोग्राम्स, या तो वो NAC A+ एक्रेडिटेड होते हैं, या फिर उन्हें अप्रूवल मिला होता है डिस्टेंस में कोर्सेज चलाने का, या फिर वो ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं क्योंकि वो NIRF की रैंकिंग में आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। मैं ये कोर्सेज बात कर रहा हूं उन कोर्सेज की जो कोर्सेज चलाए जा सकते हैं, पर दोस्तों हमने एक वीडियो डिटेल में बनाया था जिसमें आपको बताया था कौन कौन से कोर्सेज नहीं चलाए जा सकते ऑनलाइन मोड पर, या फिर पार्ट टाइम मोड पर, इवन और किसी मोड पर भी नहीं चलाए जा सकते, फिर वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम ही चलाए जा सकते हैं। नॉन अटेंडिंग कैसे आता है? नॉन अटेंडिंग दोस्तों आप ऐसे समझिए कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में BEd में एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद अब आप क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स देने जाएंगे या प्रैक्टिकल देने जाएंगे, और आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, आप एग्जाम्स भी दे आओगे। इसे बोलते हैं नॉन अटेंडिंग। ये लीगल नहीं होता दोस्तों, ये एक इलीगल प्रोसेस है जिसमें कि साठ गार्ड से, मतलब कि आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उसकी साठ गार्ड से आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, ये कहीं से भी लीगल नहीं होता है। और मैं ये बात बोलूं कि ये कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये कोई नया तरीका नहीं है कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का अपनी सीट्स को फिल करने के लिए। ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, ये बात हायर अथॉरिटीज को भी पता है। इस तरह से एडमिशंस लिए जाते हैं, क्लासेस नहीं दी जाती, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट अपने एग्जाम्स को अटेंड करता है, बट ये इलीगल है। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन MBA होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन of all educational institutes and universities AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी, और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। अब होता क्या है दोस्तों, आपको समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए आप BEd में एडमिशन लेते हैं, BEd के बारे में काफी कुछ आपको नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हैं, और आपको यह भी पता है कि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है भी नहीं, उसको आप थोड़ा सा पढ़कर भी कंप्लीट कर लोगे। तो ऐसे में स्टूडेंट क्लास लगाना चाहता नहीं है, वो चाहता है कि बस सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जाम देने आ जाऊं, कंप्लीट कर लूं। बैकडेट भी बहुत डिग्रियां बढ़ती हैं, हालांकि अपने हिंदुस्तान में बहुत तरीके से इलीगल एजुकेशन दी जाती है, पर मैं हमेशा से आपको बोलता हूं, डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। एजुकेटेड आप तभी होंगे दोस्तों जब आप उस चीज के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, उस चीज के बारे में आप अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपोजर आपको मिलता है, आप जानते हैं उस कोर्स के बारे में क्या कुछ चलता है।
तभी आपको हम बोल सकते हैं आप एजुकेटेड हैं। क्योंकि कहीं पर भी आप जाइए, किसी भी कंपनी में जाइए, किसी भी संस्था में आप जाइए, हर इंसान को, हर ऑर्गेनाइजेशन को वही इंप्लॉय चाहिए जो एक इंप्लॉय 10 का काम कर सके, ना कि वो इंप्लॉयज तो 10 लोग एक का काम भी ढंग से ना कर पाए। ऐसे इंप्लॉयज किसी को चाहिए नहीं। तो प्रैक्टिकली नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या आप पढ़कर गए हो। किताबें पढ़ने के बाद में नॉलेज तो आपको मिल जाती है, आपको प्रोसेस पता चल जाता है, बट आप उस पर पूरी तरीके से काम कर पाओगे जरूरी नहीं। जैसे कि आप LLB करते हैं नॉन अटेंडिंग में, LLB आपने नॉन अटेंडिंग में कर ली, अब आपको ये तो पता है कि CRPC क्या बोलता है, IPC क्या बोलता है, एविडेंस एक्ट क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया क्या बोलता है, पढ़ तो आपने लिया, थोड़ा बहुत मतलब आपने पढ़ लिया, बट आपको प्रैक्टिकली पता ही नहीं कि मूट कोर्ट में प्रैक्टिस कराई किस तरह जाती है, आपको यही नहीं पता कि कोर्ट में जाकर आर्ग्यूमेंट कैसे करेंगे, आपको यही नहीं पता कि एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे करनी है, कैसे आप जाके एप्लीकेशन लगाएंगे। तो वो जो नॉन अटेंडिंग की आपने डिग्री ले ली वो किसी काम की नहीं है, काम की वो तभी होगी जब उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, ट्रेनिंग आपने ले रखी होगी। हम लोग देखते हैं अक्सर कि लोग क्या कर रहे हैं कि लोग BTech भी नॉन अटेंडिंग करने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे देती हैं कि ठीक है एग्जाम्स देने आप आ जाना। देखा जाए तो ऐसे कॉलेजेस, ऐसी यूनिवर्सिटीज की ठीक से इंस्पेक्शन तक नहीं कराई जाती, इंस्पेक्शन होती नहीं है, इंस्पेक्शन अगर होगी तो चीज सामने आ भी जाए। जिस तरह से MCI करती है इंस्पेक्शन, उस तरह से अगर इंस्पेक्शन हो कि कितनी OPD है, कितने मरीज हैं वहां पर, कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ है, कितने लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, इस तरह का अगर इंस्पेक्शन होना शुरू हो जाए तो मेरा मानना है कि नॉन अटेंडिंग का बिल्कुल सिस्टम ही खत्म हो सकता है। पर वो क्या करें स्टूडेंट्स जो मजबूर हैं, मतलब कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की थी आज से 8-10 साल पहले, अब उसको जरूरत फील हुई कि मैं क्यों ना BEd कर लूं, कम से कम प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ही लूंगा, तो उसने सोचा नॉन अटेंडिंग प्रोसेस चलो अपना कंप्लीट कर लेते हैं, क्लास तो लगानी पड़ेगी नहीं, सिर्फ एग्जाम्स देने जाना होगा और वो कंप्लीट कर लेते हैं कोर्स। ऐसा ही BTech में कर लेते हैं, ऐसा ही दूसरे कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज, में किस किस की बात करूं, ये PhD में भी चलता है। पर मेरा आपको समझाने का, आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा था कि ये इलीगल होता है दोस्तों, लीगल प्रोसेस ये नहीं होता है। लोग आपको डिस्टेंस बोलकर आपका एडमिशन ले लेते हैं कि डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। लोग बोलते हैं पार्ट टाइम तरीके से, पार्ट टाइम मोड बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया दिया है, UGC ने गाइडलाइन दी है यूनिवर्सिटीज को, क्यों सभी यूनिवर्सिटीज UGC द्वारा ही रेगुलेट की जाती है, तो उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कोई भी यूनिवर्सिटी आपको नॉन अटेंडिंग लीगली करा दे, इलीगल प्रोसेस है। कोई भी किसी तरह की दोस्तों आप जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, यूनिवर्सिटी या कोर्स के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछना, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताना, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। हम चाहते हैं आपको सब कुछ पता हो एजुकेशन के बारे में। और दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।